नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एडू इन्फो में। दोस्तों, फाइनली MP बोर्ड के द्वारा यहां पे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो आपका 12वीं का रिजल्ट है किस तरीके से बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि आज यहां पे MP बोर्ड की मीटिंग थी, जिसमें दोस्तों यहाँ पर फैसला लिया गया कि जो आपका 12th क्लास का रिजल्ट है वो आपके 10th क्लास के परसेंटेज के बेसिस पर यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं जो कि आज यानी कि 28/6/2021 को MP बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया। तो यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखिए, परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 12वीं की नियमित यानी कि रेगुलर और प्राइवेट परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले समस्त छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषय के विषयवार अंकों के अधिभार के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, आपके 10th क्लास में जो बेस्ट ऑफ 5 योजना के तहत जो आपके 5 बेस्ट सब्जेक्ट थे उसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको किस सब्जेक्ट में किसके बेसिस पे यहाँ पे नंबर मिलेंगे इसके बारे में और यहाँ पे डिटेल जानकारी MP बोर्ड के द्वारा यहाँ पे जारी की जाएगी। तो दोस्तों, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट आती है इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, आप नियमित यानी कि रेगुलर और प्राइवेट परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, 12th क्लास का कोई भी विद्यार्थी इस साल फेल नहीं होगा। इसका दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि दोस्तों जो आपका 12th क्लास का रिजल्ट बन रहा है वो आपका दोस्तों जो 10th क्लास का रिजल्ट था उसके बेसिस पर बन रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पे पास होंगे। चाहे आप सरकारी स्कूल के छात्र हो, चाहे आप प्राइवेट स्कूल के छात्र हो, या फिर अगर आप प्राइवेट से 12वीं कर रहे थे, सभी बच्चे यहाँ पे पास होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप 12th में आपको जब भी एडमिशन मिलता है जब आपने 10th क्लास पास करी होगी और जो आपका रिजल्ट है 10th क्लास के बेसिस पर ही यहाँ पे बनाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आप देखिए, कक्षा 10वीं के विषयों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए विस्तृत कार्य योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। यानी कि आपका 10th क्लास से किस तरीके से रिजल्ट बनेगा, यानी कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स किस सब्जेक्ट में यहाँ पर जोड़े जाएंगे, उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर डिटेल नोटिस यहाँ पर MP बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, मंडल द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर तैयार परीक्षा परिणाम से यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांकों से असंतुष्ट रहता है, यानी कि दोस्तों जिस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे COVID-19 की जो कंडीशंस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पे आपके एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अगर आप अपने रिजल्ट से यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है तो यहाँ पे आप परीक्षा दे सकेंगे। तो दोस्तों, जैसे और ऑफिशियल कोई अपडेट आती है MP बोर्ड के रिगार्डिंग इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।